हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आज आपके साथ मैं गेट रेडी विद मी शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा लुक कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये अगर आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो आप लोग इसको देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। आप लोगों को पसंद आए शायद, तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग मेरे वीडियो नए देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। जैसे ही हिट करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में, और मैं कहीं जाने वाली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ चलिए ये लुक शेयर कर लेती हूँ। और मैंने पहन रखी है साड़ी, तो मैंने सोचा कि चलिए दिखा देती हूँ आपको भी कि मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। आपने मुझे टी शर्ट में देखा है, टॉप में देखा है, तो कुर्ती में भी देखा है एक्चुअली। तो अगर अच्छा लगे मेरा ये लुक तो आप शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए आप लोग कि मैंने ये कैसे क्रिएट किया है, और अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो जल्दी से देख लीजिए, और मैं बहुत लेट हो रही हूँ इसलिए फटाफट से आप इन्जॉय कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हेयर अभी बहुत ज़्यादा वेट हैं, मतलब अभी बहुत गीले हैं, क्योंकि मैं अभी वॉश कर आई हूँ। अभी मतलब शावर लेकर आई हूँ और मैंने हेयर को वॉश किया है। तो मैं गेट रेडी विथ मी कर रही हूँ और बहुत जल्दी में हूँ, और बहुत टाइम लगेगा मुझे लेकिन तैयार होने में, मतलब मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मैं किस तरह तैयार होती हूँ, और जल्दी में होना है तो देखते जाइए मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या लगाती हूँ। तो ये है मिस्ट, है ये फेस मिस्ट, सेदर वुड का है, तो वही है ये देखिए। तो इसको मैं अपने फेस को, मैं मेरा फेस एकदम क्लीन है तो पहले मैं अपने फेस को मिनट बाद मैं इसमें अपने अप्लाई कर लूँगी सीरम। यह है NYV का सीरम है, तो मैं वो अप्लाई कर लेती हूँ। एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं बाल। अब मैं जेल लगाने जा रही हूँ, वो है रोज़ मुलबरी का जेल, तो मैं यही लगाती हूँ समर्स में। इसके बाद लगाने जा रही हूँ मैं लिप बाम, ये है बायोटिक की लिप बाम है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है।
उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। थोड़ा ही लूंगी मैं, दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। उसके बाद मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, ये मूज फाउंडेशन है लैक में 925 का है, और ये मूज फाउंडेशन है और वेटलेस है ये मूज फाउंडेशन। इसको लूंगी मैं, और मैं इसके साथ ये वाला परफेक्टिंग लैक में परफेक्टिंग फाउंडेशन अप्लाई करूंगी साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क होता है और ये थोड़ा सा लाइट होता है, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। और थोड़ा सा सूखापन होता है इसमें, मूज है ना, इस वजह से। लेकिन इससे फेस एकदम फ्लॉलेस हो जाता है गाइस, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा हो जाता है इससे फेस। आपको जब भी कोई भी फाउंडेशन लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही करके लगाना है, और पहले सेक कर लीजिए ये वाले फाउंडेशन को, उसके बाद अप्लाई कीजिए। और मेरा फेस देखिए कितना ग्लोई ग्लोई नज़र आ रहा है। मैं हैंड से ही कर ले रही हूँ ब्लेंड, क्योंकि मुझे हैंड से ही जल्दी जल्दी करने में मज़ा आता है और जल्दी से ब्लेंड भी हो जाता है। मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट है, तो मैं इसको ही लगा रही हूँ। और मैंने ब्रश लिया है, वेगा का ब्रश है ये, पाउडर ब्रश है ये। फ्रेंड्स इसमें बहुत वाइट वाइट सा लग रहा है फेस, लेकिन इतना वाइट नहीं है, पता नहीं इतना वाइट क्यों लगता है जब भी मेकअप करते हैं तो। लेकिन जब मैं इस वाले मिरर में देख रही हूँ तो एकदम परफेक्ट है। और अब मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल, ये है ADS की पेंसिल है, बहुत छोटा हो गया है।
मैं ये वाली आईब्रो भी सेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आईब्रो फिल कर ली है अपनी पेंसिल के साथ और अब मैं लगाऊंगी आई शेडो वगैरह। तो फ्रेंड्स आई शेडो लगाने से पहले मैं थोड़ा सा इधर आईज के नीचे लूज पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ ताकि वो फॉल आउट ना हो, अगर हो तो मेरे फेस पे ना हो। तो मैं बहुत फनी लग रही हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स मेरी जो मैं पहनने वाली हूँ क्लॉथिंग मतलब आउटफिट तो वो है पर्पल कलर का, तो मैं वही ले रही हूँ, पर्पल ही ले रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ, ब्लेंड करूँगी अच्छे से। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो जल्दी जल्दी में हूँ इसलिए बहुत जल्दी जल्दी से मेकअप कर रही हूँ। तो मैं इतना पूरे में ही लगा ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने पर्पल कलर लगा के उस पर गोल्डन कलर लगा लिया है। ये है मेरा पैलेट, ये है ब्लू हेवन का पैलेट है ये, तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और वो वाला जो मैंने यूज़ किया था वो है हिलेरी रोडा का है ये वाला पैलेट, तो मैं इसको बताना भूल गई थी आपको। तो ये है हिलेरी रोडा का और मैंने इसका रिव्यू भी कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, रिचा रॉय चैनल आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। बस इस तरह से उंगली से ही इसको लगा लेना है क्योंकि ये क्रीमी है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से। तो फ्रेंड्स मैंने इसको फिर से टचअप दे दिया है पर्पल का, तो अब मैं इस पे भी दे देती हूँ। जो जितना ही फॉल आउट मैंने लगाया था एक्स्ट्रा ये लूज पाउडर मैं इसको हटा देती हूँ।
तो अब करूँगी मैं कॉन्टोरिंग। तो फ्रेंड्स मैं पहले कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, पहले मैं लगाऊंगी आईलाइनर। ये है ब्लू हेवन का आईलाइनर। मैं जितने ही प्रोडक्ट है बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट का मेकअप कर रही हूँ और बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस में कर रही हूँ। पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, तो फटाफट से इसको मैं लगा लेती हूँ आईलाइनर को। बस इतना ही पतला मुझे लगाने का है, मैं अभी मिलती हूँ लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आईलाइनर लगा लिया है और अब मैं काजल लगा रही हूँ। ये है लैक्मे का काजल और मैं वही अप्लाई कर लूँगी अपनी लोअर वाटर लाइन पर और अपर वाटर लाइन पर। मैं थोड़ा सा व्हाइट काजल भी लगाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे से ले रही हूँ इसको। और अपर वाटर लाइन पर लगा लूंगी। और फ्रेंड्स अब मैं ले रही हूँ वाइट काजल, ये है NYB का, तो मैं कोहल ले रही हूँ वाइट वाला। अब मैं ये लगा लेती हूँ अंदर से, इससे मेरी आईज भी बड़ी बड़ी नज़र आएंगी। देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए और ये देखिए, डिफरेंस देखिए आप। ये देखिए अब मेरी आईज कैसी लग रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं ले रही हूँ मस्कारा, ये है ब्लू हेवन का मस्कारा ले रही हूँ मैं। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए। मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। तो फ्रेंड्स अगर मैं कुछ भूल जाऊँ या कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी न्यू हो तो शायद कुछ भूल भी सकती हूँ मैं, इसलिए। तो मैं
इसी पैलेट से ये वाला शेड ले लूँगी मैं। ये डार्क है, ये बहुत इसमें लाइट दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, डार्क है ये, लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा लाइट, पर मैं इसके साथ ही कॉन्टोरिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इस पैलेट से मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, उससे वो सही नहीं हो रहा था तो मैं इसके साथ कर रही हूँ, ये वाला पैलेट ले रही हूँ मैं। तो ये है कॉन्टोरिंग का पैलेट, मतलब आई शेडो पैलेट है, मैं कॉन्टोरिंग में इससे कर रही हूँ। हल्की हल्की कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। तो अब मैं थोड़ा सा नीचे टचअप कर लेती हूँ इससे, जो इसमें है बस उसी से ही कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो काजल मैंने लगाया स्मज ना हो। बहुत हल्का हल्का कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। और कॉन्टोरिंग में मेरी हो चुकी है, तो अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, कर लूंगी हाइलाइट कर लूंगी मैं अपने। तो जो इसमें ब्रश है मैं उससे ही हाइलाइट कर ले रही हूँ, ये वाली आई शेडो में, हिलेरी डोडा में। देखा, अभी मैंने लिप कलर भी नहीं लगाया और ब्लश भी नहीं लगाया और मैं हाइलाइटिंग करने लग गई। तो मैं ये जो ब्लश है, ये वाला लाइट कलर है ये मैं इससे ही ब्लश कर ले रही हूँ, ब्लश के लिए ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर देती हूँ। अभी दिखाऊंगी मैं अपना फाइनल लुक।
और अभी मैं पहले लिप कलर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक, और इससे पहले मैं लिप कलर ऐड कर लेती हूँ। और मैंने पहले लिप बाम अपना निकाल दिया है क्योंकि मैंने पहले लगा रखा था। और मैं ले रही हूँ NYB का क्रियोन, और ये शेड नंबर 2 है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। तो ये कलर अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो मैं दिखाती हूँ अभी अपना फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, इसलिए बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। और गेट रेडी विथ मी, मुझे साथ कैसा लगा आपको? और कोई चीज़ अगर भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर मैं अच्छी लगूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को, कैसा लगा मेरा ये लुक, और मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं, मेरे मतलब मेकअप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक हुआ है या नहीं, ये सब मुझे बताइएगा आप लोग, थोड़ा सा सजेस्ट करिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक करना फ्री होता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मेरा लुक देख लीजिए आप। अच्छी लगूँ तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन मैं रोज़ अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी मतलब फैमिली के लिए। और मैंने ऑफ कैमरा सेटिंग स्प्रे लगा लिया था NYB का, तो जो भी मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को, मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ ही ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने अपने गले में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ अपना मंगलसूत्र मैं पहनी हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, बस मैंने गेट रेडी विथ मी, मैं कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को पसंद आ जाए शायद। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री है, शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।